दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक्वालेंस लेंस क्लीनर जो कि लेंस कार्ट की तरफ से आता है। तो अभी ये मैंने लेंस कार्ट से परचेज़ किया है, हालांकि ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको बॉक्स दिखाता हूँ। बॉक्स कुछ इस तरीके का बॉक्स इसका आता है लेंस क्लीनर का। ऊपर की तरफ एक्वालेंस की यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है और नीचे की तरफ बताया गया लेंस क्लीनर है। तो अगर आप ये अपने स्पेक्स वगैरह साफ करते हैं और कई बार आप अपने स्पेक्स वगैरह को साफ करते हैं उन पर स्क्रैचेज वगैरह ले आते हैं तो उस चीज़ को ये काफ़ी हद तक रिमूव कर देता है। तो कैसे करता है वो भी मैं आपको एक बार करके दिखाऊँ और किस तरीके से आपको इस लेंस क्लीनर की मदद से अपने स्पेक्स को साफ करना है वो भी मैं आपको एक बारी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की इसकी डिटेल्स दी गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है यहाँ पे प्राइस की। तो इसका प्राइस यहाँ पे 150 रुपीज़ मैंशन किया गया है। हालांकि अगर आप इसको डायरेक्टली लेंस कार्ट से लेते हैं तो मैंने इसे लिया था तो 100 रुपीज़ का मुझे पड़ गया था। ऑनलाइन मैंने भी चेक नहीं किया कि कितने रुपये के आसपास ये पड़ता है। इस तरफ यहाँ पे नीचे बताया गया लेंस क्लीनिंग का जो है ये सोल्यूशन है और यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से आप उस लेंस को साफ कर सकते हैं इसकी मदद से। एक बार ये ओपन कर लेते हैं इसको तो कुछ इस तरीके की इसकी ये बॉटल होती है। आप देखेंगे अंदर जो लिक्विड है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, जैसे हमारा वाटर होता है उसी तरीके से एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। और यहाँ पे ये सारी की सारी डायरेक्शंस वगैरह अगर मैं पास लाके आपको दिखाऊँ तो बताया गया कि किस तरीके से आपको इस लेंस क्लीनर की मदद से अपने स्पेक्स वगैरह को साफ करना है। तो एक बार इसको अगर मैं ओपन करूँ इसके ऊपर वाले टैप को तो यहाँ पे भी आपको एक अलग से टैप दिया होता है जो इसका मेन नोजल है उसको कवर करने के लिए। और जो इसका नोजल है थोड़ा पास लाके भी आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरीके से इसका ये जो नोजल है ये देखने में लगता है। अब एक बार मैं इससे आपको अपने स्पेक्स को क्लीन करके दिखाता हूँ। तो अभी मेरे ये जॉन जेकब्स के जो स्पेक्स हैं एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके के स्पेक्स हैं, इन्हें मैंने पहन लिया है इसलिए इनमें थोड़ी सी डस्ट वगैरह जो है वो भी आपको दिख जाएगी। अगर मैं लेंसेज अगर आपको दिखाऊँ इस साइड से तो आप देख पाएंगे कि इनके अंदर आपको डस्ट वगैरह जो है देखने को मिल जाएगी और कुछ ये निशान वगैरह भी आपको इस तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब एक बार ही देखते हैं इस लेंस क्लीनर की मदद से हम इसको किस तरीके से साफ कर सकते हैं। तो अभी अपने स्पेक्स मैंने हाथ में ले लिए हैं और ये लेंस क्लीनर भी मैंने हाथ में ले लिया है। सबसे पहले आपको फ्रंट साइड पे और दोनों दूसरी साइड पे भी थोड़ा थोड़ा स्प्रे करना है। कैसे करना है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सिंपली इतना और दूसरी साइड भी इतना और दूसरे वाले ग्लास पे भी एक स्प्रे और इस साइड भी एक स्प्रे। एक स्प्रे से ज़्यादा ना करें क्योंकि स्प्रे की जो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा निकलती है। तो अब आप देखेंगे अभी मैंने इस पर स्प्रे कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, जो मेरे को कपड़ा दिया गया है ये कपड़ा मुझे लेंस कार्ट की तरफ से ही दिया गया है तो आपको उसी कपड़े का यूज़ करना है। जिस भी आप स्पेक्स जहाँ से भी बनाते हैं वहाँ से आपको जो एक क्लोथ मिलता है लेंसेज को क्लीन करने के लिए उसी क्लोथ का आप यूज़ करें, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे कपड़े का यूज़ करेंगे तो स्क्रैचेज आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब इसको साफ कैसे करना है, सिंपली आपको इसको एक साइड से स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ जाके उसको ख़त्म करना है, बाहर की तरफ निकालना है सारे के सारा जो इसका जो भी इसमें डस्ट है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको साफ करना है, कपड़े को बीच बीच में आप चेंज करते रहें। कुछ इस तरीके से आप इसको साफ करेंगे, ऐसे ही इस वाले को भी आप कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल देंगे। कपड़े को आप बीच बीच में बदलते रहेंगे तो आप देखेंगे कि ईजिली जो भी सारी की सारी डस्ट है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। एक बारी चाहें तो आप दोबारा भी इसको साफ वाली साइड से इस पर फेर सकते हैं जिससे कि पूरी की पूरी जो डस्ट है वो यहाँ से बाहर निकल जाए। तो किसी और कपड़े का आपको इसको साफ करने के लिए यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो कपड़ा आपके ऑप्टिकल वाले ने जो आपको बॉक्स के साथ दिया उसी कपड़े का आपको यूज़ करना है जिससे कि आपकी जो स्क्रैचेस वगैरह हैं वो इस पर ना पाए। तो अभी एक पास से भी मैं आपको फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लेंस जो है वो बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं और कहीं से भी किसी तरीके की डस्ट या कोई भी स्क्रैच वगैरह इसके अंदर नहीं आई है। तो कुछ इस तरीके से ही आपको जो है लेंसेज को साफ करना है। और अगर क्वांटिटी की बात करूँ तो आपको क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, 100 रुपीज़ में 100 ml के आसपास आपको क्वांटिटी मिल जाती है। और स्प्रे भी जो होता है वो एक सिंगल स्प्रे आपके एक टाइम के लिए काफ़ी होता है, फ्रंट साइड पर एक सिंगल स्प्रे, बैक साइड पर एक सिंगल स्प्रे पर लेंस। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू इस लेंस क्लीनर का। अगर आपके मन में इस प्रोडक्ट को लेकर कोई सवाल है आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।